नमस्कार, आपकी आवाज उठाने, आपके हक की आवाज उठाने का न्यूज वन इंडिया पर हमारा यह अभियान लगातार जारी है। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का एक खास शो कंचन का अभियान। पिछले कई दिनों से लगातार हम कोरोना पर डिबेट कर रहे हैं और आज भी कोरोना पर ही डिबेट है। 5 अप्रैल को पहली बार देश में 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए थे और इसके बाद तो पूछे ही मत। कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, ग्राफ लगातार ऊपर होता जा रहा है और 15 अप्रैल को कोरोना 2 लाख के पार पहुंच चुका है। मौतों को लेकर क्या कहा जाए, ऐसी ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिसे देखकर सिस्टम पर गुस्सा आता है। सवाल दोनों से है। हर दिन मामले बढ़ने के साथ साथ देश में सख्ती भी बढ़ाई जा रही है, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं या फिर स्थगित की जा रही है जिसमें नीट की परीक्षा भी शामिल है। वीकेंड लॉकडाउन का सिलसिला भी देश में बढ़ता जा रहा है। नाइट कर्फ्यू का वक्त बदलकर बाजारों से भीड़ कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती धार्मिक स्थलों पर भीड़ कम करने की और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की है। हरिद्वार में महाकुंभ चल रहा है, नवरात्रि है, रमजान भी है, सब कुछ मैनेज कैसे होगा यह अधिकारियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कुल मिलाकर देश भर में कोरोना का कर्फ्यू है और कर्फ्यू के अंदर ही रहकर हमें कोरोना से लड़ना है। कोरोना वापस लौट कर नहीं आएगा ये सोचकर हम बेखौफ होकर घूमते रहे, जमकर शादियों में गए, खूब पार्टियां की गई, मौज मस्ती करने लगे, आउट ऑफ स्टेशन भी जाने लगे, लेकिन भूल गए कि कोरोना अब भी जिंदा है। अब कोरोना जब लौटा है तो उसने सबको त्रस्त कर दिया है। हर दिन स्थिति डरावनी होती जा रही है, पिछले साल की कहानी दिखने लगी है, अस्पतालों की तस्वीरें सवाल कर रही है, कोरोना से कैसे सब कुछ फिर से बदलता जा रहा है। इन्हीं सभी बातों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद जो हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे उसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मौत जब कोरोना से होती है तो तकलीफ ज्यादा होती है, मरने वाले को भी और परिजन को भी। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आज कंचन का अभियान में इसी मुद्दे पर होगी बहुत चर्चा। तस्वीरें चीख चीख कर बयां कर रही हैं, इस बेटी ने अपने पिता को खो दिया है। यूं तो कोरोना काल में लाखों जाने गई हैं, लेकिन जब जान बचाने वाले डॉक्टर अस्पताल में ही ना मिले तो ऐसी तस्वीरें उभर कर आती हैं। मौत इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है, लेकिन एक बेटी पिता को स्ट्रेचर पर तड़प तड़प कर मरते देखेगी तो तस्वीरें ऐसी ही होंगी। पिता कोरोना से मर गए, स्वास्थ्य मंत्री कुछ कर नहीं सके और डॉक्टरों के बारे में कुछ पूछिए नहीं। पता नहीं कोरोना और कैसी कैसी तस्वीरें दिखाएगा। आगे आने वाले दिनों में क्या हाल होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन हालात और बुरे होते दिख रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है, फिर भी रोजाना कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ती दिख रही हैं। महाकुंभ, नवरात्र और रमजान का समय है, सरकार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग रखने की लगातार अपील कर रही है, लेकिन नियमों का पालन हो नहीं पा रहा। लोगों की गलतियां तो है ही, लेकिन मैनेजमेंट करने वाले भी भीड़ को संभाल नहीं पा रहे। आज कोरोना को लेकर जो भी स्थिति है उसके लिए आम इंसान से लेकर सिस्टम तक पर सवाल है। इस बीच खबर ये भी है कि रामनवमी पर अयोध्या में भारी भीड़ हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो लोगों को मैनेज कैसे किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। ऐसा नहीं है कि एकाएक हालात खराब हुए हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में लोगों ने खूब समारोह किया, यात्रा करने वालों की भी संख्या बढ़ी। इस दौरान ट्रेन बस में कोई सावधानी नहीं बरती गई, लोग बेपरवाह होकर यात्रा करते रहे। बाजारों में भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का आता पता नहीं दिखा। प्रशासन की भी कम लापरवाही नहीं रही, कोरोना को कमजोर होता देख तैयारियां कम कर दी गई। हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स को ऑर्डर को नहीं लिया गया और अगर आ भी गए तो वो पैक ही पड़े रहे, जिसका खामियाजा अब कोरोना की दूसरी लहर में लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले लखनऊ में एक डॉक्टर के पिता की कोरोना से मौत हो गई। हैरान करने वाली बात यह है कि डॉक्टर के पिता को कोविड अस्पताल में एक बेड तक नसीब नहीं हुई और इलाज के अभाव में उनकी मौत हो गई। हमसे, आपसे, सिस्टम से जो गलतियां हुई उसका नतीजा कितना भयंकर है वो अब हम देख रहे हैं। फिर से एक बार
भीड़ वाला मौसम है, त्योहार और शादियों का वक्त है। ऐसे में अगर खुद को कंट्रोल में नहीं रखा गया तो आने वाला समय और भी खतरनाक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। कोरोना में कर्फ्यू लगा हुआ है और इसी मुद्दे पर पिछले कई दिन से हम चर्चा कर रहे हैं। हम इस चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जरूरी है कि हम आपको सतर्क करें, हम आपको बताएं कि आज कोरोना से देश में हालात कितने बिगड़ चुके हैं। 2 लाख पार कर चुके हैं कोविड के केसेस, कई लोगों की मौत हो रही है, शमशान घाट में लकड़ियों की कमी हो रही है। मेरी आपकी प्रशासन हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सतर्क हो जाएं। अभी भी वक्त है, हम बचा सकते हैं, कई जानें बच सकती हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से अनिता अग्रवाल जुड़ी हुई है, कांग्रेस से प्रियंका गुप्ता, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया और डॉक्टर राहुल भार्गवा फोर्टिस हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले मैं स्टेटमेंट डॉक्टर राहुल भार्गवा से लेना चाहूंगी। इससे पहले मैं ये भी अपने दर्शकों को बता दूं कि दिल्ली में नीट परीक्षा से जुड़ी अहम खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने नीट 2021 परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये जो परीक्षा थी उसको स्थगित करने का फैसला लिया गया है। 18 तारीख को परीक्षा होने वाली थी लेकिन अभी ये जस्ट खबर आई है कि उसको स्थगित कर दिया गया है। कल भी इस बारे में हमारी बातचीत हुई थी और इस बात पर हम बार बार जोर दे रहे थे कि 10th और 12th की एग्जामिनेशन को पोस्टपोन किया जाए। 10th के एग्जाम्स रद्द किए जा चुके हैं, 12th के एग्जामिनेशन CBSE की तरफ से पोस्टपोन किए जा चुके हैं। ये एक अच्छा स्टेप सरकार के द्वारा उठाया गया है। डॉक्टर भार्गव, 2 लाख के पार हो चुके हैं आज कोविड के केसेस, कैसे रोकथाम लगेगी? वैक्सीनेशन लगातार लग रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम सड़क पर उतरते हैं, घर से दफ्तर तक आते हैं जब हम, और जो सड़कों पर तस्वीर हमें देखने को मिलती है उसका कोई जवाब नहीं है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, मास्क लोग लगाए हुए हैं, फर्जी लोग नजर आते हैं, बिना किसी काम के सड़क पर घूम रहे हैं। सरकार एक के बाद एक स्टेप उठा रही है लेकिन आम जनता सुनने को तैयार नहीं है। कंचन जी, पहला मैं बताना चाहूंगा कि मेरी कोई पॉलिटिकल लिंकेज नहीं है, मेरा एक ही धर्म है, वो है डॉक्टर को की तरफ से मरीजों का देखना। आज मैं आपको एक भयानक स्थिति बता दूं कि सरकार के जितने भी नुमाइंदे यहां बैठे हैं, पक्ष विपक्ष अभी लड़ेंगे कि गलती किसकी है और महाराष्ट्र की इसमें बातें आएंगी। हम ये जानते हैं कि 2 लाख से केसेस बढ़ चुके हैं, गेंद हमारे पाले से निकल चुकी है, ये भी हम जानते हैं। अब आप देखिए, समझिए बात क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि सरकार कहती है कि उनके पास बेड की कमी नहीं है। आप सोचिए, दिन भर में 100 से 150 कॉल्स आती हैं बेड्स और वैक्सीन सॉरी वेंटिलेटर के बेड्स के लिए। रिवर्स पलायन जिसे हम कह रहे हैं कि दिल्ली और गुरुग्राम में आज की तारीख में, नोएडा में, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, बनारस से लोग भर भर के वापिस आ रहे हैं इलाज के लिए। तो जब हम बात करते हैं कि हमारे पास सब है तो इतनी भयानक स्थिति क्यों है? क्योंकि हमारी 70 साल की व्यवस्था हेल्थ केयर पे कभी नहीं थी। हम ये सोचे कि हम एक साल में बेड बना लेंगे, वेंटिलेटर ले आएंगे, तो ये हम ख्वाली पुलाव बना रहे हैं। अब देखिए, बात समझने की बात ये भी है कि हम वैक्सीनेशन को आज 10 करोड़ का मार्क को पार कर जाएंगे, क्या वो सफिशियंट है? आज वैक्सीनेशन होनी चाहिए थी कि 18 साल से सारे लोगों को। देखिए, अमेरिका ने आज 45% लोगों को एक शॉट दे दिया, हमने 9% को और 0.8% को दूसरा शॉट दिया है, तो यह भी एक बहुत बड़ी व्यवस्था में कमी है। आज की स्थिति बहुत भयानक है क्योंकि जिस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं, मेरा बीजेपी की प्रवक्ता से एक विनम्र निवेदन है कि अब हमें कंप्लीट लॉकडाउन करना चाहिए। इस समय रोजी को नहीं देखना चाहिए, रोजी रोटी को, जान को देखना चाहिए, क्योंकि मौतें बढ़ती जा रही हैं। जो पहले रिकवरी रेट 97% था पिछली वेव में, वो घट के 91% हो चुका है। और तीसरी जरूरी बात, आस्था का मेला जो कुंभ है, क्या सरकार इतनी विफल है कि वो लोगों को नहीं रोक सकती? कल 13 लाख लोगों ने शाही स्नान में पार्टिसिपेट किया, आज भी उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और बंगाल में 3 फेज चुनाव के बचे हैं। तो आप समझ रहे हैं इस बात को कि डॉक्टर की जब आप कमी दिखाते हैं तो कंचन जी, डॉक्टर भी बेचारा इंसान है, वो 18 घंटे 20 घंटे काम नहीं कर सकता, वो भी थक चुका है, व्यवस्था चरमरा रही है। आप कितने भी बड़े बड़े वादे करें, लोग सड़क पे परेशान हो रहे हैं, ये बात समझिए। किसी भी व्यवस्था में 2 लाख केसेस अगर आते हैं, उसके 8% लोग भी अगर भर्ती होने के लिए होते हैं, तो इतने बेड हमारे पास नहीं है। अनीता जी, एक बात बताइए, ये क्या गाना गाया जा रहा है सबकी तरफ से, हर पार्टी की सरकार की तरफ से, चाहे यूपी हो या दिल्ली हो या महाराष्ट्र हो, कि हमारे पास बहुत सारे बेड है, हमारे पास स्वास्थ्य के सारे संसाधन है, हम कोविड को सीरियसली ले भी रहे हैं? आंकड़ा 2 लाख के पार हो चुका है, क्या मजाक चल रहा है यहां पर? क्या व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं?
ये आज की पार्टी की बात नहीं की जा रही है, सालों साल जो पार्टी रही है, आजादी के इतने सालों बाद भी क्या हेल्थ सिस्टम हमारे देश का इतना डगमगा गया है कि कोई महामारी आती है और एक साल तक वो महामारी चलती है और हम एक साल में कोई सुविधा नहीं बना पाते हैं कि जो दूसरी लहर आती है उसमें 2 लाख के केसेस पार होते हैं। और पहले कंचन जी ये पहले बोले, मेरा निवेदन ये रहेगा कि दोषारोपण ना करें, रामपुर हो चाहे एरा हो चाहे टीएस मिश्रा हो चाहे रेगल हो चाहे मेयो हॉस्पिटल हो, इन सबको कोविड हॉस्पिटल कर दिया गया है, वही 3 दिन के अंदर किया गया है। और मुख्यमंत्री जी ने अपनी हेल्पलाइन नंबर भी दी है, जिनके घरों में पूरी व्यवस्था भी कर रहे हैं, घरों में किट भी दे रहे हैं, घरों में दवाइयां भी दे रहे हैं। 2.5 लाख लोग डेली की जांच हो रही है, और जब डेली जांच होती है उसमें कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, पाया जाता है, तो तुरंत जा रहे हैं। अनीता जी, मेरा निवेदन है आपसे कि हम सभी को संवेदनशील होने की जरूरत है। आज सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है पूरे दिन हम दिखाते रहते हैं, क्या कदम उठाया गया है कि यह भी बोला गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर कोई लापरवाही बरतेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, हेडलाइंस में इसको लिया है हमने, लेकिन क्या सिचुएशन है इस पर हमें ध्यान बरतने की जरूरत है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बेड नहीं है हमारे पास। मैडम कंचन जी, बड़ी गंभीर समस्या है, कोई दो राय नहीं है, हम कह रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट जी। डॉक्टर भार्गव प्लीज, मुझे डॉक्टर भार्गव को सुनना है, प्लीज प्लीज। अनीता जी एक सेकंड, डॉक्टर भार्गव बोलिए, क्या हालत से अवगत हुई है? मेदांता चरक अस्पताल भर चुके हैं, 38 लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, बेड नहीं मिल रहा। देखिए आप एक बात समझिए, आपके सरकारी अस्पताल कितने भी बढ़ा दे तो लोग सरकारी में क्यों नहीं जा रहे? आप सरकारी अस्पताल में भेजिए लोगों को, ऑक्सीजन सबके पास है तो ऑक्सीजन के लिए क्यों आप प्राइवेट अस्पताल जा रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी व्यवस्था है कि हम पहले अपनी गलती माने, अगर हम गलती मानेंगे तो हम सुधार पाएंगे। देखिए डॉक्टर, पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, सरकार अपनी तरफ से जागरूकता अभियान चला रही है, चीजें प्रोवाइड कर रही है, गाइडलाइंस ला रही है, लेकिन हमारे हेल्थ सिस्टम में सिर्फ एक पार्टी ही जिम्मेदार नहीं है, सालों साल जो पार्टियां रही हैं जिन्होंने हेल्थ सिस्टम पर ध्यान ही नहीं दिया, कितना परसेंट जीडीपी हम हेल्थ सिस्टम पर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड करते हैं, ये सब दर्शाता है कि 70 साल की विफलताओं को आप एक साल में नहीं बदल सकते। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से मैं सहमत हूँ अनुराग भदौरिया। और डॉक्टर ओवरनाइट पैदा कर देंगे, आप कितने भी बेड बना लीजिए, डॉक्टर और नर्सेस कहां से आएंगी? आप ये तो देखिए भाई, एक दिन में थोड़ी होता है, हमारे को अब जरूरत है आउट ऑफ द बॉक्स सोचने ठीक की। है अनुराग भदौरिया, योगी सरकार तो कह रही है कि बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, और क्योंकि उन्हें कोविड भी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सबसे मुलाकात हो रही है, मीटिंग हो रही है, समीक्षा बैठक की जा रही है, लेकिन आंकड़े आज देश भर के कुछ और ही बयां कर रहे हैं। देखिए पहले एक बात तो अंदर से खत्म कर देनी चाहिए कि 70 साल, अरे यहाँ पे 7 साल तो बीजेपी सरकार को हो गया, 4 साल यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सरकार को चलाते हो गया, कितने साल हो गए? 12 साल हो गए। 12 साल में अगर आप यहाँ, एक साल पहले कोविड यहाँ आया हुआ है, सबको मालूम है कोविड है, और कोविड के लिए आप बेड की व्यवस्था अगर एक साल में नहीं कर पाते तो बेकार बेकार ऐसी सरकार को, अगर यहाँ पे गैस सिलेंडर की ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाते तो फिर कैसी सरकार है ये? एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कर पाते, इसको सालों साल थोड़े लगता है, एम्बुलेंस खरीदने में कितना टाइम लगता है, या गैस सिलेंडर ऑक्सीजन के सिलेंडर लाने में कितना टाइम लगता है, या बेड बनाने में कितना टाइम लगता है? आपको साल भर पहले पता चल गया तो उसके बाद आपने ये व्यवस्था ही नहीं की। और जो हॉस्पिटल ऑलरेडी जैसे कैंसर हॉस्पिटल लखनऊ में बनकर खड़ा है उसका अपने उपयोग क्यों नहीं किया? 4 साल हो गए हम लगातार कह रहे हैं उसका उपयोग कीजिए, कोविड में उसको उपयोग कर लीजिए, क्या बात है उसको क्यों नहीं? अरे एक हॉस्पिटल आपने क्या बनवा दिया है, कितना उसका गुणगान करेंगे अनुराग जी? अरे मैं बोल रहा हूँ, अरे मैं कह रहा हूँ व्यवस्था हर डिबेट में बोलेंगे, इस्तेमाल होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ इस्तेमाल होना चाहिए, गुणगान नहीं, इस्तेमाल की जरूरत है, आज जरूरत है उसकी, आप उसका इस्तेमाल करें। अरे जरूरत तो आम जनता की जागरूकता की भी है, क्या आम जनता जागरूक है, क्या हम और आप जागरूक है, क्या अखिलेश यादव जागरूक थे, बताइए ना। मैं बात करूँ पूरी फिर आप बोल दीजिएगा, सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती, ये सरकार सिर्फ फर्जी और झूठ बोल के झूठे आंकड़े पेश करती रहती है, यहाँ लगातार यहाँ पे कोविड से लोगों की मृत्यु हो रही है, लाशें वहाँ लाइन लगी वहाँ पे, आप चलिए शमशान घाट पे और ये उसकी आंकड़ों की खलाबाजी करते हैं। इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर में कम से कम जो मैं कह रहा हूँ ये हॉस्पिटल की व्यवस्था उनको तैयार रखनी चाहिए थी, और वहाँ पे डॉक्टर्स की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो सरकार ने नहीं किया। सरकार यहाँ डॉक्टर भार्गव तो कह रहे हैं कि ओवरनाइट डॉक्टर्स थोड़ी ना आ जाते हैं अनुराग जी, क्या बोलेंगे आज डॉक्टर है और आज डॉक्टर आ जाएगा? बेड तो आ जाते हैं, बेड तो आ जाते थे, सरकार तो कह रही है कि बेड है, ऑक्सीजन के सिलेंडर बहुत होते हैं, वेंटिलेटर बहुत होता है लाने के लिए, एक साल क्यों नहीं आपने व्यवस्था की?
प्रियंका गुप्ता, देखिए सर प्लीज कोविड जैसे मुद्दे पर राजनीति मत करिए। राजनीति कर रहे हैं आप लोग राजनीति तो करते आए हैं। अगर आज देश का विपक्ष सरकार के साथ हाथ मिला रहा होता तो शायद तस्वीर कुछ और होती, लेकिन आप लोगों ने कंधे से कंधा नहीं मिलाया। कोविड पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है। विपक्ष की भूमिका निभाइए और राजनीति करने से बचिए। देश को संदेश दीजिए। वैक्सीनेशन ड्राइव में क्या प्रमोट किया आप लोगों ने? लगातार प्रचार करते घूम रहे, क्यों यहाँ पे इलेक्शन होने दिया जा रहा है? क्यों पंचायत का इलेक्शन हो रहा है? क्यों नहीं आप आवाज उठाती है? आप सवाल करिए सरकार की। अरे जब अखिलेश यादव बनारस गए थे तब क्या कोविड नहीं था? वो तो घर पे बैठकर उनको कोविड हुआ है। कौन सा प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया अखिलेश यादव ने? अपनी पार्टी की लाइन तो क्लियर नहीं कर पाते आप। डॉक्टर प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस से, प्रियंका जी राजनीति में, आपसे राजनीति की उम्मीद नहीं करती हूँ। मैं थक गई हूँ विपक्षी पार्टियों से जो सिर्फ इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। अनुराग भदौरिया मत बोलिए, धैर्य रखिए सवाल पूछे जा रहे हैं। सरकार नहीं कर रही है, जनता जागरूक हो रही है और जनता जागरूक करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया, मैं ये पूछना चाहती हूँ। आज क्यों कुंभ जो है इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जो है कोविड जो है फैलने के पूरे चांसेस हैं, वहां पर क्यों खुला छोड़ रखा है लोगों को? क्या आप जनता को मौत के मुंह में ढकेलने का काम करना चाहते हैं? सवाल तो पूछना बनता है इस सरकार से कि सरकार के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर भार्गव, क्या सिचुएशन है? क्या मतलब क्या किसी पार्टी से बात करो और उनसे सहयोग का समर्थन मांगू मैं? यहाँ तो पार्टियां सिर्फ राजनीति करती है। कोविड को लेकर सेंसिटिविटी देश में आंकड़ा 2 लाख के पार हो चुका है और यहाँ पर सभी पार्टियां कोविड के मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी अपना पल्ला झाड़ रही है, विपक्ष इस मुद्दे को उठा रही है। क्या हम सेंसिटिव है प्रियंका गुप्ता? क्या हम डॉक्टर भार्गव प्लीज, मैं डॉक्टर से बात करना चाहती हूँ। डॉक्टर भार्गव, क्या ये सेंसिटिविटी है? कंचन जी, क्या ये अप्रोच है हमारा? तीनों पार्टी के लोग सुन सकते हैं, पक्ष विपक्ष सुन सकते हैं। अपने अपने लोगों को कहिए कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं। एक आदमी 3 आदमियों को वैक्सीनेट करवाए, राजनीति छोड़ के जिसकी जो कमी है उसको सकारात्मक रूप में उभारें कि सबकी कमी है। देखिए कोई 100% नहीं हो सकता। सरकार इतनी बड़ी पैंडेमिक में सरकार अकेले काम नहीं कर सकती, वो अमेरिका हो। अनुराग भदौरिया, सब पक्षों देखिए, प्रदेश में तो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं लेकिन मेरे पास कुछ स्टैट्स हैं। उत्तर प्रदेश में 22,000 के पार हो गया है, दिल्ली में 17,000 के पार हो गया है, हर राज्य। अनुराग जी सुनिए, अनुराग जी देखिए ना, बताइए आपकी, बताइए। डॉक्टर भी आपसे पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब से सवाल कर रहे हैं जो किसी पार्टी के नहीं बैठे। अनुराग जी सुन तो लीजिए कम से कम, क्या आलोचना करने से कुछ सही होगा? आगे बढ़ के काम करिए ना, साथ में पक्ष विपक्ष हाथ जोड़ के साथ में चले। आप देखिए डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन अमेरिका ने कितने कट्टर तरीके से लड़े, अब कोरोना में साथ लड़ रहे, आप क्यों नहीं साथ लड़ सकते? साथ नहीं है, बात यही है ना कि विपक्ष साथ है ही नहीं सरकार के साथ। मुझे तो लगता है कि ऐसा समय आना चाहिए हम सबके बीच में कि हम सरकार का समर्थन करें, सहयोग की। वाइफ को कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिली। अनुराग, यार मैं सुनी नहीं पा रही हूँ किसी की आवाज, स्पीकर डाउन करिए। अनुराग भदौरिया, मेरा सवाल आपसे है, क्या आप सरकार के समर्थन में हैं फाइट अगेंस्ट कोविड में, कि सिर्फ आलोचना करते रहेंगे? अनुराग भदौरिया, सरकार की मत कीजिए। क्या आपकी चापलूसी झलक रही हो? टीवी चैनल पे साफ दिखाई दे रही हो? आप विपक्ष को दोषी ठहरा रही है, कमाल है भाई। अरे सरकार से सवाल भी तो पूछते हैं हम। डॉक्टर से उम्मीद थी जिन्होंने सीधा सीधा सवाल सरकार से किया था, ये इस तरह की बातें मत किया करिए यहाँ पर आकर, बिल्कुल मत किया करिए यहाँ पर आकर। अनुराग भदौरिया, आप कोविड के बारे में बात कीजिए ना, आप कोविड के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? मैं आपसे इतना पूछ रही हूँ, क्या विपक्ष सरकार का समर्थन कर रहा है?
चैनल वैनल बाद में बात कीजिए आप मुझसे, पत्रकारिता मत सिखाइए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। यहाँ पे कोरोना की जिम्मेदारी सरकार की है, आप विपक्ष की जिम्मेदारी बता रही हैं। क्यों विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि सरकार का समर्थन दे? क्या आपकी, क्यों आपकी सरकार थी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कोविड हो गया है, कौन सा प्रोटोकॉल नहीं फॉलो कर रहे थे, वैक्सीनेशन को भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन बता रहे थे, समाजवादी लोग उसका तो इस्तेमाल कर नहीं पा रहे हैं, और आप कह रहे विपक्ष यहाँ पे हॉस्पिटल बना दे, विपक्ष जाके बेड की व्यवस्था करवा दे। समर्थन कीजिए सर, समर्थन कीजिए फाइट अगेंस्ट कोविड में, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। देखिए समझिए कंचन जी, राजनीति कर लीजिएगा, बहुत मुद्दे मिलेंगे आपको राजनीति करने के लिए, इलेक्शन पास आ रहा है, कई और अहम मुद्दों पर राजनीति कर सकते हैं, जैसे किसानों के मुद्दे पर आप लोगों ने राजनीति की थी, लेकिन कोविड पर तो राजनीति मत कीजिए। सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ आपको बहुत मुद्दे मिलेंगे, कोरोना जिसे अनिता जी लोग सरकार को बचा नहीं रहे, सरकार को बचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं बचा रहे, हम सवाल पूछ रहे सरकार से, प्रशासन से, अधिकारियों से, आम जनता से, और आप जैसी विपक्षी पार्टियों से जो सरकार का कोई समर्थन ही नहीं करती है, जो कोविड को मजाक समझकर रखती है, कोई सेंसिटिविटी नहीं है आपकी आम जनता के लिए, कोई सेंसिटिविटी नहीं है, सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं आप जैसे लोग। कोई पॉजिटिविटी नहीं है, ये नहीं कि पॉजिटिव अप्रोच रखे सरकार से। एक छोटा सा ब्रेक लेने की जरूरत है, प्लीज ब्रेक की जरूरत है, आप सभी बने रहिएगा। मेरा सवाल अनीता जी आपसे होगा, बार बार विपक्ष के मुंह से, पत्रकारों से, आम जनता से ये सवाल पूछा जा रहा है कि सरकार के पास प्रॉपर बेड क्यों नहीं है, वेंटिलेटर्स की कमी क्यों है, आईसीयू की कमी क्यों है, शमशान घाट में लकड़ियों की कमी क्यों है। यह आपकी, मेरी, हम सब की, आम जनता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आज जो कोविड की दूसरी रफ्तार देखने को मिली है, उसमें कहीं ना कहीं हम सबसे बहुत बड़ी चूक हुई। कोरोना का कर्फ्यू कई जगह हमें साफ तौर पर देखने को मिला है, उत्तर प्रदेश में जहां नाइट कर्फ्यूज लगाए गए थे उसे और बढ़ा दिए गए हैं, टाइम चेंज किए गए हैं, एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो गए, एग्जामिनेशन कैंसिल हो गए हैं, नीट की परीक्षाएं भी पोस्टपोन की जा चुकी हैं, तो एक के बाद एक स्टेप्स लिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है अनीता जी, वैक्सीन की कमी है, बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, आईसीयू की कमी है, लकड़ियों की कमी है, करें तो करें क्या, क्या ये समाधान है? देखिए कंचन जी, लकड़ियों की कमी पड़ी है, सचिव खुद जाके सारी व्यवस्था की है पूरी तरह से, और जहां तक ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीजन अभी मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा कि ऑक्सीजन पूरी 100% सप्लाई हो रही है, दी जा रही है, और सबसे बड़ी बात है गांव गांव गली गली सैनिटाइज हो रहा है, और हमने कहा कि तीन दिन के अंदर चाहे केजेंस हो, बलरामपुर हो, एटीएस हो, मिश्रा हो, टाइगल हो, मेयो हॉस्पिटल हो, सबको कोविड हॉस्पिटल कर दिया गया। और एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ, आज विपक्ष में संवेदनशीला मानवता बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ये वही अनुराग भदौरी है जिनके नेता ये बोलते थे ये भाजपा की वैक्सीन है, इसको मत लगवाना, जब हमारी सरकार आएगी तब लगेगी, ये गुमराह करने वाले लोग हैं, ये गुमराह करने वाले लोग हैं, और आज कम से कम इनको सही, इनकी मानवता बिल्कुल, आज अखिलेश जी खुद कोविड में क्या उनसे वो लगवाएंगे वैक्सीन, आज आप वैक्सीन लगवाएंगे, आज वैक्सीन आप लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे, आप जनता को गुमराह करें, जनता का सहयोग करने के बजाय जो विफलता हुई है इस वक्त सिस्टम की वो किसी और पर मत थोपिए, लेकर आइए, जनता के लिए जरूरी है, आपको भी जनता के पास जाना है, हमें भी जनता के पास जाना है, और जनता को आपको जवाब देना है, कम से कम मानवता संवेदनशीलता रखिए, इसमें राजनीति मत करिए, ये राजनीति करने का समय नहीं है, आपदा में आपको एक होना चाहिए, आप लोग सिर्फ चुनाव के चक्कर में रहते हो, कैसे सत्ता हथिया ली जाए चक्कर में नहीं रहते, आपको मालूम है जनता के भले के बारे में सोच रहे होते, तो साल भर से इतनी तैयारी कर ली होती, आज लोगों की हालत नहीं होती, आज लखनऊ में ऐसी हालत नहीं होते, आपको वहाँ पे भैंसा कुंड को चारों तरफ से टीम से घेरना नहीं पड़ता, कोई फोटो ना खींच ले, वहाँ पे लाशें जलाई जा रही है और आप घेराबंदी लगा रही है, कल किसी ने फोटो खींच ली तो आप उसको चारों तरफ से यानी चारों तरफ से टीम लगा दे रहे हैं, फोटो ना खींच पाए, किसी लाशें जल रही है, इसलिए आप उसके डाटा का वहाँ पे 17-18 वहाँ 72 लोगों की मौतें हो रही है, और आप डाटा में गड़बड़ी कर रहे हैं, कमाल की बात कर रहे हैं आप, संवेदनशीलता आपकी खत्म हो गई कि हमारी खत्म हो गई है, जो जिम्मेदारी आपको जनता ने चुनाव आपको चुन के दी थी कि आप जनता का भला करेंगे, जनता का देखरेख करेंगे, जब यहाँ कैबिनेट मंत्री को कोई पूछने वाला नहीं है, कैबिनेट मंत्री का फोन नहीं उठा रहे हैं आपके अधिकारी, जब कैबिनेट मंत्री के बोलने
में तो एम्बुलेंस नहीं मिल रहा तो आम जनता की हालत क्या होगी आप बताइए। कैबिनेट मंत्री आपके कानून मंत्री फोन में मिला के फंस जा रहे हैं, उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है, तो आम जनता की हालत क्या होगी जरा बता दीजिए आप मुझे। टीवी पे चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, आपके मंत्रियों की बात नहीं सुनी जा रही है, आपके मंत्री तक परेशान हो चुके हैं आपकी सरकार से, आपकी व्यवस्था व्यवस्था और आपके बोल रहे अनीता जी कुछ जवाब आप भी दे दीजिए। अनीता जी देखिए सवाल कई सारे उठाए जा रहे नहीं, अनीता जी कंचन जी कंचन जी जी डॉक्टर भार्गव आता है बोलने कंचन जी एक मिनट जी एक सेकंड प्लीज डॉक्टर जी एक मिनट डॉक्टर भार्गव अरे आप कंचन जी दो तीन सजेशंस हैं। हम यहाँ पे राजनीति करते रहे, चुनाव नंबर्स बढ़ रहे हैं, आपको बेड्स की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन को अगले दो हफ्ते में आपको ऑक्सीजन की और मात्रा की जरूरत पड़ेगी, तो प्लीज आपको अपने सॉक्स को पुल अप करना पड़ेगा पहली चीज। दूसरी चीज क्या आपने सोचा जब आपने नीजक रिएक्शन में सारे अस्पतालों को कोरोना घोषित कर दिया, किंग जॉर्ज हॉस्पिटल को, तो जो कैंसर के पेशेंट है डायलिसिस के पेशेंट है वो कहां जाएंगे। तीसरी चीज क्या हम पंचायत इलेक्शन इलेक्शन कमीशन को हम नहीं बोल सकते कि पंचायत इलेक्शन नहीं होने चाहिए क्योंकि वो सुपर स्प्रेडर की तरह काम कर सकते हैं। एक मिनट। और चौथी चीज सबसे ज्यादा आप सब पॉलिटिकल लोगों को घर में रहने का और वैक्सीनेशन का मंत्र दे रहे हैं क्या? आप देखिए जितने विपक्ष वाले हैं, विपक्ष वालों से मेरा सवाल इस बात का है कि क्या आप लोग अपने अपने अनुयायियों को बोल रहे हैं कि वैक्सीनेट करवाइए और घर में रहिए? क्या सारे के सारे लोग ही पक्ष के दल के हैं जो कि सड़कों पे घूम रहे हैं बिना मास्क के? क्या सापा के, क्या कांग्रेस का कोई उसमें फॉलोअर नहीं है और सारे के सारे वो लोग मास्क लगाए? तो मेरा निवेदन आप तीनों पार्टियों से है, प्लीज समझिए बात को, हालत भयानक होने वाली है। जो इटली में और न्यूयॉर्क में हुई देखिए, आप ध्यान रखिएगा कि डरावनी स्थिति बनी हुई है। नहीं सरकार उसके प्रति बिल्कुल भी चिंता नहीं व्यक्त कर रही है, सड़कों पर नहीं नहीं मैडम चिंता कर रही है, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए, अपने आप लोग अपनी जान बचा रहे हैं, लोग जागरूक हो चुके हैं, आप लोग अनुराग भदौरिया ये जो आंकड़े किसकी जिम्मेदारी से समझा जाए, क्योंकि अगर जो तस्वीर हमने देखी है उसमें साफ तौर से देखने को मिला है रांची में उस 30 साल की लड़की जो अपने पिता की जान की मांग के गुहार लगाती रही, उसका पूरे देश में 500 के हश्र भी हमने देखा। वैक्सीन की कमी है, बेड्स की कमी है, आईसीयू की, वेंटिलेटर्स की, हर चीज की कमी है। आपके दल को जो सत्ता पक्ष है, मेरा निवेदन रहेगा कि आप अपने अपने एक एक करके बात कीजिए, प्लीज प्लीज मैं सुन नहीं पा रही हूँ, आप प्लीज एक एक करके बात कीजिए प्लीज। डॉक्टर भार्गव अनीता जी प्लीज आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रियंका जी आपके पास आऊंगी मैं, प्लीज अनीता जी बहुत सारे सवाल आपसे, मत करिए ऐसे। नहीं देखिए अनीता जी महाराष्ट्र में हमने डिबेट किया है, रुकिए प्लीज। अनुराग जी 10 दिन में जो आंकड़े डबल हुए हैं किसकी जिम्मेदारी समझा जाए, क्योंकि सरकार तो ये गाना गा रही है कि हमने आप सब कुछ प्रोवाइड कराया है लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। रति जी मेरा छोटा सा निवेदन है, आप लोग पक्ष में हैं, आप सत्ता पक्ष में हैं, सत्ता पक्ष से एक ही निवेदन है कि आप लॉकडाउन कर दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लॉकडाउन के बिना नहीं रुकेगा। आप लॉकडाउन कर रहे हैं, वीकेंड लॉकडाउन से क्या सरकार की विफलता लॉकडाउन से कम्पीट की जाए? बिल्कुल, आप ये देखिए जर्मनी 6 महीने तक लॉकडाउन रहा है, आज भी न्यूयॉर्क अभी थोड़े दिन पहले लॉकडाउन से उभरा है, यूके में जब सुपर स्प्रेडर था, ये बताइए यूके में सुपर स्प्रेडर था वो जनवरी में लॉकडाउन में था, तो आप प्लीज समझिए इसमें हार नहीं है। लॉकडाउन सवाल पूछेंगे अनीता जी से, डॉक्टर भार्गव एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड प्रियंका जी, एक सेकंड अनीता जी प्लीज। अनुराग भदौरिया 10 दिन में जो आंकड़े डबल हुए हैं कौन जिम्मेदार है? सरकार कुछ कह रही है लेकिन तस्वीरें सड़कों पर कुछ और बयां कर रही है, बंद कर दी है। देखिए एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि सरकार की जिम्मेदारी पड़ेगी, सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। अगर सरकार ने इसको पहले ही भाप लिया होता, जिस तरह की आपने पंचायत के चुनाव इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए, आपको पता है कोरोना तेजी से फैला हुआ है, आपने चुनाव क्यों डिक्लेयर कर दिए भाई? कुछ दिन चुनाव रोक लेते तो क्या फर्क पड़ जाता? लेकिन आपको तो हर चीज में चुनाव, बंगाल में चुनाव, यहाँ पे जिला पंचायत का चुनाव, लोग अगर परेशान है, मरते तो मरने दो, उन्हें क्या दिक्कत है? अगर आप
चुनाव करवा भी रहे थे तो आपको कम से कम ये व्यवस्था तैयार करनी पड़ी है। अब आपको सारी व्यवस्थाएं कर लेनी चाहिए कि हम सारे हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं कर ले वो भी आपने नहीं की, आप एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं कर लेते वो भी आपने नहीं की, आप ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लेते वो भी नहीं की, और सारे हॉस्पिटल छोटे बड़े हॉस्पिटल सबको सक्षम बना देते, आपको ओपन फॉर ऑल कर देते, सभी के लिए खोल देना चाहिए था हॉस्पिटल में, और जो हॉस्पिटल सक्षम थे उनमें आईसीयू की तैयारी करवा देते, जैसे कि अगर इमरजेंसी आती है तो आईसीयू यूज कर लिया जाएगा, वो भी आपने नहीं किया। नहीं अनिता जी, ऐसी तस्वीरें हमें देखने को नहीं मिली है, ये मत बोलिए प्लीज, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, आईसीयू, हर चीज की कमी है, वैक्सीनेशन, नहीं ये लिपापोती मत कीजिए अनिता जी, सवाल तो पूछे जाएंगे अनिता जी, प्लीज प्लीज मेरा सवाल आपसे एक एक करके बात कीजिए, अनिता जी मेरा सवाल तो सुनिए, विपक्ष कई सारे आरोप लगा रहा है, सरकार तो कुछ कह रही है, लेकिन जो तस्वीरें हमने देखी है पूरे देश भर की तस्वीरें, आज ये सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है, केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा कर रही है, राज्यों की सरकार पर सवाल खड़ा कर रही है कि पिछले एक डेढ़ साल में क्या हम इतनी व्यवस्थाएं दे ही नहीं पाए, क्या हम हेल्थ सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाए, क्या आज आंकड़े 2 लाख पर पहुंच गए हैं, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? देखिए आपको इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिम्मेदार हम और आप सभी लोग हैं, सबसे हमने जो लापरवाही की, अब लोगों ने लापरवाही शुरू कर दी थी, आपने देखा कितनी बड़ी लापरवाही की, बिना मास्क के जाना, बिना उसके जाना, अरे तो रैली में भी तो नेता बिना मास्क के थे, क्या बंगाल की रैली में आपने तस्वीर देखी थी, देखा बंगाल में जहाँ पे ज्यादा महाराष्ट्र में आप देखेंगे, महाराष्ट्र में आपने लोगों को बाहर निकाल दिया, बिहार के लोग आए हैं तो आप बताइए आम जनता, आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, आप पंजाब में देख लीजिए, आप दिल्ली में देख लीजिए, यहाँ पे तो फिर हमने कम से कम पूरी व्यवस्था कर रखी है, अरे कोई व्यवस्था नहीं है कहीं पर अनिता जी, अगर व्यवस्था होती तो देश के आंकड़े आज 2 लाख के ऊपर नहीं होते। आप क्या सोचते हैं सरकार कुछ नहीं करती है, आज 2.5 लाख लोगों के वैक्सीन रोज चेकअप हो रहा है, वैक्सीनेशन जा रही है, सब कुछ हो रहा है, एक दिन में 1 करोड़ लगना चाहिए, जो डॉक्टर हमारे साथ डेली पैनल में बैठे हैं वो कहते हैं कि 30 से 35 लाख लग रहा है, सिर्फ 9% लोगों को देश भर में हम वैक्सीन प्रोवाइड करा पाए हैं, क्या ये प्रोडक्शन की कमी नहीं है, क्यों नहीं वैक्सीन सबको दी जा रही है, क्यों सिर्फ 45 वर्ष के ऊपर की, क्या 18 साल का बच्चा प्रभावित नहीं हो रहा है, क्या 30 साल का इंसान प्रभावित नहीं हो रहा है, कितने केसेस ऐसे आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, इसको मत लगवाई है, जब हमारी सरकार आएगी, ये जो गुमराह कर रहे हैं विपक्ष लोग, इनको समझाने वाला है, आज ये खुद वैक्सीन लगवाएंगे, आज जो गुमराह कर रही है जनता को खुद वैक्सीन लगवा, हमने वैक्सीन इतनी ज्यादा है कि आप जहाँ चाहे जगह जगह कैंप लग के वैक्सीन लग रही है, पंजाब में देख ली चाहे दिल्ली में देख ली, वैक्सीन बराबर है, स्टेटमेंट का मैं रिप्लाई जरूर लेना चाहूंगी, डॉक्टर भार्गव क्या हमारे पास इतनी वैक्सीन हैं? एक दिन में जो एम्स के एम्स से डॉक्टर्स हमारे साथ बैठे तो उनका ये कहना था कि 1 करोड़ वैक्सीन लगनी चाहिए, हमारी दर 25 to 35 लाख के बीच में है, क्यों वैक्सीन नहीं लग पा रही है भाई, क्या मतलब क्या वजह है इसका? कंचन जी 3 पॉइंट है, एक वैक्सीनेशन फॉर ऑल होना चाहिए था, अगर अमेरिका का और यूरोप का डेटा देखते हैं 18 साल के ऊपर के सारे लोगों को लगवाना आवश्यकता, तभी हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ आगे बढ़ पाते, सेकंड वेव इतनी इन्फेक्टिव थी किसी ने फॉरवर्ड प्लानिंग कभी नहीं सोची थी, क्योंकि हम सब इलेक्शन में बिजी थे, कभी हम ये सोच नहीं पाए कि इतनी फिरोसिटी से सेकंड वेव आएगी और 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को इन्फेक्ट करेगी, इस बार की वेव में 2 साल का बच्चा हो, 15 साल का बच्चा हो या 40 साल का बच्चा हो, सब अफेक्टेड है और पूरे पूरे घर अफेक्टेड है, प्लीज बात समझिए, ये महामारी इतनी बड़ी है मिसेस अग्रवाल, आप समझिए इस बात को कि आप पूरा जी जान भी डाल दें और सारा पक्ष और विपक्ष साथ भी मिल जाए तब भी मुश्किल पड़ेगा, उसमें गलतियां होंगी, कमियां रहेंगी, पर कमियां होने का यह मतलब नहीं है कि हम विफल हो गए, आप अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, उसी पार्ट को प्ले करते रहिए, विपक्ष को गलतियां हाईलाइट करने दीजिए, उसको पूरा करते रहिए, तभी जनता का भला होगा, किसकी गलती थी वो हो गया, 10 डबल नंबर हो गए, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, आज आपके सामने 22,000 केस हैं,
प्लीज उनको सुधारिए कि अगर 10% लोगों को भी बेड की जरूरत पड़ती है तो 2000 लोगों को रोज बेड की जरूरत पड़ेगी और आपके पास पूरे उत्तर प्रदेश में 30-40 हजार से ज्यादा बेड नहीं है। डॉक्टर राहुल एक बात बताइए, सरकारी हॉस्पिटल्स को छोड़िए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड की कमी है जिसको सरकार मान नहीं रही है। कुछ डॉक्टर की अगर ये मानेंगे नहीं तो कैसे होगा? अगर आप सुप्रीम की तरह मानेंगे नहीं कितनी है डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पा रहे कर नहीं पा रहे डॉक्टर आप देखिए डॉक्टरों की लापरवाही भी हम लोग झेल रहे हैं। अरे मैडम डॉक्टर कहाँ से आएगा आप बताइए कैसी बात कर रही हैं आप? डॉक्टर कहाँ से आएगा? डॉक्टरी में करिए आप पीपी किट करिए आप कहिए पीपी किट डॉक्टरों की वजह से भी काफी कुछ झेलना पड़ रहा है। मैडम आप पीपी किट करिए आप एक दिन पीपी किट पहन के देखिए कैसी हालत होती है। 18 घंटे काम कर रहे डॉक्टर देश को दिन रात लगा हुआ है और डॉक्टर के पिताजी की डेथ हो गई आप समझ रहे हैं बात को? जो कर रहे हैं मेरी बात सुन लीजिए आज कई जगह डॉक्टर नहीं आप गलत स्टेटमेंट दे रही है हम गलत भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। आज देखिए आपने तो सबसे पहले दिखाया कई डॉक्टर डॉक्टर कहाँ से आएंगे डॉक्टर क्या अमिता है खुद हो चुके डॉक्टर कहाँ से आएंगे पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं आप पब्लिक को डॉक्टर को लड़ा रहे हैं गलती आपकी है काफी कमी आई है डॉक्टर की अगर आप सुनना चाहते हैं तो गलती आपकी है हमने उसकी व्यवस्था की है डॉक्टर की मैडम कुछ व्यवस्था नहीं करी आपने देर इज नो व्यवस्था। अगर मैं आपको हकीकत बताऊं बनारस से पेशेंट एयर एम्बुलेंस कर करके आ रहे हैं अरे मैडम छोड़िए आप गलत बोल रही हैं आप झूठ बोल रहे हैं आप डॉक्टरों पर गलत इल्जाम लगाइए आप डॉक्टरों को मरीजों पर लगाइए गलती आपकी है। बात करेंगी तो क्या 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 संदेश दे रही है अनुराग अग्रवाल ये देखिए आपसे पूछा गया तो सीधा ठीक रहा डॉक्टर पर फोड़ दिया कि डॉक्टर्स गलत है क्या क्या उम्मीद की जाए क्या मैं उम्मीद करूं कि भारतीय जनता पार्टी के घर में क्या बोलेंगे डॉक्टर्स को ठीक है कैसे फोड़ सकते हैं मैडम डॉक्टर का मनोबल बढ़ाने की जगह ये डॉक्टर का मनोबल तोड़ रही है जनता को दोषी ठहराएंगे कभी विपक्ष को दोषी ठहराएंगे कभी हॉस्पिटल के मालिक को दोषी ठहराएंगे कभी हॉस्पिटल को दोषी ठहराएंगे ये सकारात्मक डिबेट नहीं है ये सिर्फ ठीकता बोलने की है अपनी पासिंग द बक वाली बात है कि जनता गलत है डॉक्टर गलत है ये गलत नहीं है जो आप डॉक्टर को दोषी ठहरा रही है सोचिए आप शर्म भी नहीं आ रही भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि डॉक्टर को दोषी ठहरा रहे हैं जो डॉक्टर दिन रात लगा अपनी जान की बाजी लगा देश के डॉक्टर्स दिन रात एक करके मेहनत करके काम कर रहे हैं। अनिता जी डॉक्टर्स के लिए इस प्लेटफॉर्म पर मत बोलिए। नहीं 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 मैं उम्मीद नहीं करती हूँ कि बीजेपी से इस तरह के बयान सामने आए निंदनीय है। आपकी परेशानियां हैं हम मानते हैं परेशानियां हैं हम साथ देने के लिए खड़े हैं पर दोषारोपण ना करिए पब्लिक को यह मत बताइए डॉक्टर की गलती है सरकार का कोई गलती नहीं है कमाल की बात है। अरे आपको सबूत दे भगवान मैं तो यही कहूंगा सरकार क्या कुछ नहीं कर रही है सरकार को अरे आप तो डर रही है सरकार आप कह तो रहे आपके साथ में है कह तो रहे आप दोषारोपण मत करिए ना आप गलत मत बोलिए उसको आप दोषी ठहरा दे रहे हैं कैसे आप रखता भाई कैसी भारतीय जनता पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर में कोई स्ट्राइक की है भारतीय जनता पार्टी का डॉक्टर को भी दोषी ठहरा देंगे आप सुनना चाहते हैं तो आप सुनिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद आपके 55 डॉक्टर के जीएमसी के अस्पताल में पड़े हैं 55% माने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाने को तैयार है हॉस्पिटल में अनिता जी बहुत सारे सवाल इस वक्त उठ रहे हैं इस तरह मत कीजिए एक एक करके आप जवाब दीजिए। डॉक्टर्स के बारे में इस तरह की बयानबाजी आप कर रही हैं दिन रात डॉक्टर्स जुटे हुए हैं क्या सरकार की जो विफलता है उसका ठीकरा डॉक्टर्स पर मत फोड़िए देश के डॉक्टर्स दिन रात जुटे हुए हैं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं डॉक्टर्स विपक्ष सबको जिम्मेदार आप ठहरा रही है काम कर रहे हैं कहाँ डॉक्टर आप आएंगे जी मैडम कैसी बात कर रही हैं आप ये बताइए अनिता जी देखिए मेरा सिंपल सा सवाल है आपसे एक सेकंड प्लीज मुझे आवाज नहीं मिल रही है डॉक्टर प्लीज प्रियंका गुप्ता अनुराग एक सेकंड अनिता जी मेरा सवाल सुनिए
हमने तो सीएमओ को भी लेटर लिखा, हमने सीएमओ अरे लेटर वेटर छोड़िए आप, सुनिए मेरी बात, लेटर लिखने से आपने क्या रुकना है? हमने सीएमओ को भी लेटर से क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन एक तरफ रखिए आप, झूठ मत बोलिए लोगों को, मेरी बात सुनिए। हॉस्पिटल के हाल क्या है? प्राइवेट हॉस्पिटल के हाल बेहाल है मैडम, आप हॉस्पिटल में जाइए। अरे प्राइवेट हॉस्पिटल के हाल बेहाल है, आप क्या बातें कर रही है मैडम? इनके सारे मंत्री जितने मंत्री उत्तर प्रदेश के बीमार पड़ते हैं वो दिल्ली में इलाज लेते हैं, क्यों उत्तर प्रदेश में लेते हैं? लापरवाही करते हैं जिससे सारे डॉक्टर, जो आपकी सरकार की विफलता रही है उसका ठीकरा डॉक्टर्स पर मत फोड़िए प्लीज। हमारे पैनल में डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं, प्लीज प्लीज रिस्पेक्ट कीजिए। नहीं अनिता जी बिल्कुल नहीं, प्लीज मैंने कंचनी जो मैंने देखा प्लीज डॉक्टर्स के लिए मैं नहीं नहीं सुनिए ठीक है कोई बात नहीं बात आप ये बताइए ना मुझे मैडम, सुनिए अनिता जी इतना बताइए, आप विपक्ष सवाल पूछ रहा है, हम भी सवाल पूछ रहे हैं, आम आप सुनिए तो अनिता जी, आप सुनने को ही तैयार नहीं है। अरे हो गया अनिता जी, सवाल सुनिए। आज देश में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी है, सरकारी अस्पताल के क्या हालात है? कतारों में लोग खड़े हुए हैं, ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है उनको। एक बच्ची अपनी पिता की लाश लिए रोती रही, डॉक्टर नहीं पहुंच पाया रांची में वहां पर, क्योंकि झारखंड का स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल का जायजा ले रहा था। यही कहा ना मैंने संजय जी, यही तो बोला ना कि जो हॉस्पिटल में तो उसको जगह मिल गई थी लेकिन डॉक्टर नहीं समय पे पहुंचा, ऐसा कभी हॉस्पिटल में जगह नहीं थी। मैडम कैसी बातें कर रही हैं आप जी, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है आपके पास, क्यों आपके मरीज नहीं आ रहे? उसकी सास सास ये कह रही थी, उस लड़की का सास कहते हैं डॉक्टर नहीं आए, डॉक्टर नहीं आए। मैडम आप डॉक्टर और मरीज का लड़ाई कर रही हैं, आप वाकई आप इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं शो में, मुझे यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि आप ये कैसे आप एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं कि सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है, ये ऑक्सीजन है फेलियर नहीं है, कैसे नहीं है, नहीं है, झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है, नहीं है। लेकिन देखिए हमने कहा पूरी व्यवस्था परफेक्ट नहीं है लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन आप इतने बड़े प्रदेश को संभालना बड़ा कठिन काम होता है लेकिन आप छोटे बड़े सरकार बनाइए जब कठिन काम में संभालना तो अनिल पटौरिया जी ये कह रहे हैं कि इतने बड़े प्रदेश को संभालना कठिन काम होता है, जनता ने जिस विश्वास के साथ बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, आज अनिता सिंह कह रही हैं, अनिता अग्रवाल कह रही हैं कि जनता उस प्रदेश की जनता को संभालना मुश्किल है। अनुराग भदौरिया प्लीज मैं इसमें सिर्फ उनसे कमेंट चाहती हूँ। इससे ज्यादा शर्म की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं हो सकती, भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए नहीं हो सकती, जो चुनी सरकार ये कहे उनके प्रवक्ता ये कहे कि इतनी बड़ी जनता को संभालना मुश्किल है तो सरकार छोड़ दीजिए, फिर क्यों सरकार में आप जब चला ही नहीं पा रहे हैं तो फिर सरकार क्यों है, सरकार में है क्यों आप? जब आप डॉक्टर को भी दोषी बता दे रही हैं, जनता को भी दोषी बता दे रही हैं, विपक्ष को भी दोषी बता दे रही हैं, हॉस्पिटल को भी दोषी बता दे रही हैं, सब दोषी है तो फिर भैया आप प्लीज, समय खत्म हो गया। डॉक्टर भार्गव प्लीज एक छोटा सा 30 सेकंड्स में मेरा निवेदन आप तीनों से ये है, वैक्सीनेट करवाइए लोगों को प्रेरित करिए वो घर पे रहे, और मेरा निवेदन सत्ता पक्ष से ये है कि कंप्लीट लॉकडाउन की बात सोचे, इस समय जान की बात सोचे ना कि जान की। डॉक्टर भार्गव बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का समय देने के लिए ऐसे समय में। क्या हालात हो गए हैं, 2 लाख के ऊपर आंकड़े पहुंच गए हैं, स्थिति बेहद डरावनी बनी हुई है, सड़कों पर जब आप जाएं मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी को मेंटेन रखें, सोशल हाइजीन देखें, पर्सनल हाइजीन देखें, अपने आसपास के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए समझाइए, उन्हें जागरूक करिए, क्योंकि इस वक्त सतर्क होना ही सबसे बड़ी आवश्यकता है। सरकार अपना काम करेगी, विपक्ष राजनीति करेगा, सत्ता पक्ष विपक्ष आपस में लड़ते रहेंगे लेकिन जान हम और आप गंवाएंगे, इसीलिए अपनी जान की सुरक्षा करिए क्योंकि जान ही जहान है। इसी के साथ आज कंचन का अभियान में इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी अहम मुद्दे के साथ, देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।